इस तरह से एक, ये मेरे पास भी चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट में 8 शेप का ऑर्डर था, इस तरह से स्क्वायर कट कर लें, स्क्वायर बेस। और उसके बाद ये देख लें कि इसके चारों कोने हमारे बराबर होने चाहिए। देखिए, अगर ऊपर से ऊबड़ खाबड़ है, इस साइड से कर सकते हैं आप इस तरीके से। ये देखिए, मैंने पहले से कट कर लिया, तो चारों कोने बराबर हैं, ठीक है। और उसके बाद मेन चीज़ है आपका हार्ट शेप की कट देनी। इस तरह से एक बीच से लाइन खींच लें, इस तरीके की, बिल्कुल सेंटर से। इस साइड से भी बराबर, इस साइड से बराबर, दोनों कोने बराबर होने चाहिए। और उसके लिए आपको कटर, रिंग, चाहे आपके पास ऐसा रिंग हो तो इस तरह का रिंग ले लीजिए। इस तरह के सिंपल सा बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से इतना, इस तरह से रख के इतना कट कर लीजिए। तो देखिए, बिल्कुल सिंपली यहाँ तक आपने कट कर लिया, और इस साइड से भी इसी तरीके से कट कर लीजिए, दोनों सेम। ये सिंपली आपका निकल गया। अब रहती है बारी इसकी, चाहे आप वैसे भी कट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमने कट कर लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है, एक बार इस तरीके से नाइफ से देखिए कितना सिंपल सा तरीका है हार्ट शेप कट करने के लिए। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, आप इनबॉक्स कीजिए, आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा मैं। तो ये देखिए, हमने हार्ट शेप कट कर लिया। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा? 91 93 लेयर में कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, एक लेयर, दो लेयर हमने ये कट कर लिया। मैंने पहले से दोनों साइड से साफ किया हुआ था बेस। अब हम इसको कर लेंगे शुगर सिरप। तो इसमें शुगर पानी है, तो ये इस तरह से शुगर सिरप कर लेंगे इसको। ये देखिए, और अंदर के लिए फिलिंग ब्लैक फॉरेस्ट के लिए आप रेड चेरी भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश चेरी, जो कुछ इस तरह वाली जो फ्रेश चेरी होती है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही यूज़ करता हूँ। तो 100 लोग जुड़ चुके हैं, 100 लोग आगे, सभी लोग लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें। और पहले से मैंने वही चेरी इसमें चॉप करके रखी हुई है, स्ट्रॉबेरी। तो हम इसी चॉपिंग बोर्ड में इस तरीके से ये क्रश मिक्स कर लेंगे। क्रश हमने मिक्स कर लिया इस तरीके से। ये देखिए, तो हमारी फिलिंग बन चुकी है, एकदम बढ़िया वाली फिलिंग बन चुकी है। तो सभी लोग शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो और भी आप लोगों के लिए काफ़ी लाइव आएंगे। आप जाके ये लिंक आप देख सकते हैं, ये तो ये फिलिंग हमारी बन चुकी है। नहीं तो अगर आप परचेज़ करके लेना चाहते हैं, डार्क चेरी फिलिंग भी आती है ब्लैक फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। अब हम सिंपली इसमें क्रीम ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो क्रीम में भी कर सकते हैं इसको। ऊपर से लेयर लेना चाहते हैं फिलिंग की, तो वो भी कर सकते हैं। तो सभी के कमेंट में भी ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अब इस तरीके से ये देखिए फिलिंग, देखते हैं हम, थोड़ी सी फिलिंग हमारी बच गई। अभी दूसरा केक बनाना है, तो उस पर भी यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी पूरी फिलिंग कवर कर ली। अब देखिए, इसी तरीके से हम इसके ऊपर
लेयर रख देंगे जैसे कट किया था, और जो एक्स्ट्रा निकली हुई क्रीम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने क्रीम एक्स्ट्रा क्रीम निकाली। तो हम आप लोगों को बोर ना करते हुए, अगर आप लोग एक बेसिक टूल की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं बेकरी में क्या क्या यूज़ करता हूँ, तो ज़रूर उसके लिए भी कमेंट कीजिए। आप यूट्यूब चैनल पे जाके भी ज़रूर कमेंट कीजिए, अब आपको जहाँ पे अच्छा लगे कमेंट कीजिए। और मैं अगर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आएंगे तो बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, लेकिन जो मेरी वीडियो शूट करके आती है वो पहले यूट्यूब के ऊपर आती है और उसके बाद फेसबुक पेज के ऊपर आती है। तो हल्का सा जहाँ कहीं पर बाहर निकला हुआ है उसको कट कर लीजिए। और हमने ये कर लिया कट, अब हम इसके ऊपर से भी सिरप कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा, और भी आप लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ये देखिए ये हमने सिरप कर लिया। काफ़ी लोग बोलते हैं, मैं कई बार दिखा नहीं पाता हूँ सिरप वगैरह जो वीडियो शूट करके, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है इसलिए मैं वीडियो छोटी जगह। लेकिन आप बड़ी वीडियो को भी अच्छा सपोर्ट देते हो, अच्छा रिस्पांस मिलता है यूट्यूब के ऊपर, तो काम और करने का मन करता है। तो चलिए आइसिंग कर लेते हैं इसकी। और अभी तक आप लोगों ने अगर पेज को फॉलो नहीं किया है फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए पेज को, 2K प्लस लाइक हो चुके हैं हमारे, 10K बहुत जल्द फॉलोअर होने वाले हैं। और फेसबुक की वीडियो में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, 50K 100K, एक वीडियो पे तो 200K भी आपने शायद एक या दो दिन में कर दिए, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इस तरीके से ये भी दिखाऊंगा मैं आपको मेन चीज़, हार्ट की लुक किस तरीके से निकालते हैं हम। ये देखिए आपका भी होता होगा कहीं कहीं पे स्पॉन्ज आपका अंदर से दिखने लग जाता है। क्रीम के लिए बिल्कुल नाइफ़ को तो इस तरीके से पकड़िए आप, नाइफ़ पकड़ना आ गया तो आपको केक बनाना आ गया, इस तरीके से नाइफ़ पकड़िए। ये देखिए, और यूट्यूब के ऊपर हमारे 15K सब्सक्राइबर काफ़ी जल्दी हो जाएंगे, मेरे ख्याल से आप बहुत जल्द कर दोगे, तो आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह रहे। तो और फाउंडेंट की वीडियो भी मैंने एक, जो क्रिकेट ग्राउंड केक बनाते हैं उसमें बैट बॉल किस तरीके से बनाते हैं वो वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जाके लिंक को क्लिक करें वीडियो ये लाइव एंड होने के बाद। और तब तक के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये देखिए हमने अभी ये फिनिशिंग कर ली ऊपर से। मेन चीज़ है जो आपका हार्ट शेप के लिए, यहाँ इस तरीके से यूँ रख लीजिए और क्रीम निकाल लीजिए, और एक बार इस तरह से देखिए, इतनी सी जल्द आपके अगर हार्ट शेप की कटिंग अच्छी हुई है तो आपका हार्ट शेप बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हमारी एक्स्ट्रा शीट की मदद से इसको प्लेन कर लेना है। थैंक यू लाइक करने के लिए, और जिसने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो भी कर लें। ये देखिए इस तरीके से, देखिए एकदम सिंपल सा तरीका है, और थोड़ी सी हमारी यहाँ पे क्रीम नहीं लगी, हम इसको भी लगा लेंगे ये क्रीम। देखिए एक बार फिर से ऊपर से प्लेन कर लेते हैं हम, तो आपको अभी मैं स्लो में दिखा रहा हूँ, नहीं तो हम और भी स्पीड में केक बना लेते हैं, तो आपको दिखाने के लिए अभी आराम से दिखा रहा हूँ। कभी भी ध्यान रहे नाइफ बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ें। अब देख सकते हैं बिल्कुल हमारा हार्ट शेप आइसिंग लगभग हो चुका है।
ये देखिए इस तरीके से। तो हमारा हार्ट शेप आइसिंग कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी लोग लाइव छोड़ के अभी जा भी रहे हैं, अभी 122 थे वो, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये मैंने चॉकलेट गनास लिया हुआ है जो मेल्ट कर लिया माइक्रो में। अगर जिसने नहीं देखी इस वीडियो तो शायद मैंने फेसबुक पेज पे भी अपलोड की हुई है हम कौन सा गनास यूज़ करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो ये मैंने पाइपिंग में भर ली, इसको कट कर लेते हैं हम। अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो हम यहाँ से इस तरीके से हल्के हल्के से हिलाएंगे, हिलाते हुए इसको आगे को ले जाएंगे और साइड में धारियाँ सी गिरते रहेगी। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हो गया हमारा। तो हमारा केक तो आधा कंप्लीट स्टैंड के ऊपर ही हो जाता है। और अब हम इस तरह से क्रश कर देंगे। और ये हमारी डार्क चॉकलेट है जो हम गार्निश के लिए यूज करते हैं, वही डार्क चॉकलेट है। तो इसको हम क्रश करते जाएंगे। इस तरीके से ये देखिए हमने क्रश कर लिया। अब हम इसका जो जो साइड से गिरा हुआ चॉकलेट गनाश है इसको इस तरीके से नाइफ से निकाल लेंगे और हम एक इस तरह के स्क्वायर बेस में इसको आराम से उठा लेंगे। एक चीज़ ध्यान रहे, उठाते टाइम थोड़ा सा एक साइड के कोने को अपने हाथ से सपोर्ट करें उसको कि आपका केक गिरे ना। और ये देखिए बेस में रख दिया हमने। अब हम इसको पूरा ड्रॉप वगैरह फिनिशिंग करेंगे इसकी। ये एक स्टार नोजल रखा है इसमें, स्टार नोजल क्रीम भर के। और वन इस तरीके से इसके साइड में बॉर्डर दे दिया हमने। और अब हम इस तरीके से ये छोटे छोटे ड्रॉप्स रखेंगे। आप इन ड्रॉप के बीच में गार्निशिंग भी लगा सकते हैं इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चेरी, रेड चेरी। और अब आप लोग स्टार्ट कीजिए अपने अपने जाते बीच में तो डिस्टर्ब करते हैं चेरी। तो इस तरह से हम ये अभी करौंदा चेरी बोलते हैं इसको, वो चेरी इसके ऊपर ये देखिए हमने। आप अगर चाहें तो इसके बीच में देखिए केक कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके।